स्टूडेंट्स, आप लोगों का अकाउंट्स का अक्टूबर महीने का असाइनमेंट है साझेदारी का पुनर्गठन एवं विघटन। इसके अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे ख्याति। ख्याति से क्या आशय है? ख्याति से आशय है व्यापार की एक ऐसी ख्याति संपत्ति से है जो अधिक लाभ अर्जित करने की सहायक होती है। इसके अंतर्गत व्यापार की स्थिति, व्यापारी का व्यक्तित्व, व्यवहार, विक्रय कला एवं ईमानदारी, वस्तु की किस्म, मूल्य आदि आते हैं। यह हुआ हमारी ख्याति से आशय। इसके बाद आएगा ख्याति की विशेषता क्या है। ख्याति के मेन बहुत सारी विशेषताएं होती है। इसकी पहली विशेषता है, यह एक संपत्ति है, इस पर लाभ कमाया जा सकता है। दूसरा है, यह एक स्थायी संपत्ति होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है, ख्याति एक विक्रय करने योग्य संपत्ति, इसका विक्रय किया जा सकता है, इसे बेचा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, यह लाभ अर्जन में सहायक होती है। ख्याति लाभ अर्जन में सहायक होती है, इसके द्वारा लाभ भी अर्जित किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है, इसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, इस पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता। ख्याति के मूल्य में कमी एवं वृद्धि आ सकती है। ये इसका मेन था, ख्याति का अर्थ एवं उसकी विशेषता। अब हम पढ़ेंगे ख्याति का स्वभाव। सबसे पहला है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली अपने निश्चित स्थान पर ही रहती है, चाहे उसका स्वामी बदलते रहे। इसी प्रकार ख्याति किसी व्यापार विशेष, फर्म विशेष के साथ रहती है, साझेदारी व्यापारी के साथ नहीं रहती है। उसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। व्यापार के स्वामी साझेदार के व्यक्तित्व गुणों में ऐसी ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति क्या है? अगर माना जाता है कि कुत्ता, यदि कुत्ते का मालिक यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो कुत्ता भी उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसी यहाँ पे भी यही देखा जाएगा कि जहाँ भी व्यापारी जाता है, वहीं उसकी ख्याति चली जाती है। ऐसी ख्याति व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों के कारण ही निर्मित होती है। व्यापार की स्थिति आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है, हमारे चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहा एक स्थान पर कभी नहीं स्थिर रहता, इधर उधर जाते रहते हैं। ना तो वह किसी घर से लगाव होता है और ना ही किसी व्यक्ति से। इसी प्रकार व्यवसाय की ख्याति भी स्थायी ना होकर परिवर्तनशील रहती है। ये हमने पढ़ा ख्याति की स्वभाव। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधा। ख्याति का मूल्यांकन मैं GPH की बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप सभी भी इसी बुक से पढ़ेंगे। ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, यह आपको बुक पर दिया हुआ है। ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियाँ। सबसे पहला हम पढ़ेंगे औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत फर्म के पिछले कुछ वर्षों के लाभ का सरल औसत निकाला जाता है और औसत के बराबर, दुगने या तिगने आदि के बराबर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसे ख्याति की सामान्य विधि भी कहा जाता है। इसमें हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। एक फर्म के पिछले 3 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार दर्शाए गए। प्रथम वर्ष का लाभ इतना असामान्य हानि 3 लाख शामिल है। द्वितीय वर्ष का 8 लाख रुपये, जिसमें असामान्य हानि 4 लाख रुपये चार्ज कर लिया गया। तीसरा है 12 लाख रुपये की, जिसमें मशीन बीमे 4 लाख के नहीं घटाए गए। औसत लाभ 4 वर्षों के क्रय के बराबर ख्याति की गणना की जाएगी। अब हम देखेंगे ख्याति की गणना। प्रथम वर्ष में हमारा 10 लाख रुपए है, जिसमें से हम माइनस करेंगे 3 लाख रुपए असामान्य लाभ के, जिसमें हमारा टोटल एक वर्ष का लाभ होगा 7 लाख रुपए। द्वितीय वर्ष का ऐसे ही करेंगे तो 8 लाख रुपए का हमें लाभ हुआ है, उसमें असामान्य हानि के चार्ज कर लिए गए थे, जिसे हम इसमें प्लस करेंगे 12 लाख रुपए। तीसरे वर्ष का लाभ है 12 लाख रुपए, जिसमें से हम माइनस करेंगे मशीन के बीमे के 4 लाख रुपए जो नहीं लिए गए थे उसे। इन सबको प्लस करके औसत वार्षिक लाभ निकलेगा, जो कि होगा 27 लाख। अब औसत लाभ की गणना कैसे की जाएगी? उसका सूत्र है, गत 3 वर्षों का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का योग बटे 3 वर्षों की संख्या। तो यहाँ पे वर्षों की संख्या कितनी दी हुई है? 3। तो 27 लाख जो हमारा वार्षिक लाभ आया, उसमें 3 को भाग दे करके हमारा औसत वार्षिक लाभ 9 लाख रुपए आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ख्याति की गणना कैसे करेंगे? ख्याति की गणना के लिए इसका सूत्र है, औसत वार्षिक लाभ इंटू वर्षों की संख्या। औसत वार्षिक लाभ हमारा निकला 9 लाख रुपए, और बुक में दिया हुआ है औसत लाभ 4 वर्षों के क्रय के बराबर ख्याति की गणना करनी है। तो 9 लाख इंटू 4 करेंगे, 36 लाख रुपए हमारी ख्याति आ जाएगी। इसी के बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ, इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ में भार का गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लिए जाते हैं। गुणन का योग कर उसमें भार का योग
का भाग लगा दिया जाता है। भागफल भारित औसत लाभ कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसमें हमें वर्ष और लाभ दिए हुए हैं, क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 भाग देते हुए भारित औसत लाभ के 3 गुने के बराबर ख्याति का मूल्यांकन करना है। अब हमें बुक में दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है 2013 से 2017 तक, लाभ दिया हुआ है, भार दिया हुआ है 1 से 5 तक। अब इससे इंटू करके हमारा गुणनफल निकलेगा, जो कि हमारा निकला है 360,000 रुपये। भारित औसत लाभ का सूत्र है कुल गुणनफल बटे कुल भार। इसी के प्रकार 3600,000 बटे कुल भार को प्लस करके उससे भाग देंगे। फिर उसके बाद ख्याति की गणना किस प्रकार होगी, भारित औसत लाभ इंटू वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या हमें इधर 3 गुने के बराबर दी हुई है, तो हमारा जो औसत लाभ निकलेगा भारित औसत लाभ में 3 से इंटू करके हमारा 69,600 हमारा ख्याति निकल जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट अधिलाभ। अधिलाभ के अंतर्गत इस विधि में अधिलाभ के बराबर कुछ गुना ख्याति का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अधिलाभ का आशय वास्तविक औसत लाभ के उस आधिक्य से है जो सामान्य लाभ के ऊपर प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल नंबर 4A देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, एक व्यवसाय में 25,000 की पूंजी लगी हुई है। इस प्रकार के व्यवसाय में 10% आय अपेक्षित है। पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ 3,000 है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 गुने के बराबर किया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, तो इसके अंतर्गत हमें वास्तविक लाभ औसत लाभ दिया हुआ है 3,000। इसमें हम सामान्य लाभ का 10% माइनस करके अधिलाभ निकालेंगे 500। ख्याति की गणना अधिलाभ इंटू वर्षों की संख्या 500 × 3 करके 1500 रुपये निकल जाएगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है औसत विनियोजित पूंजी। औसत विनियोजित पूंजी के अंतर्गत कभी कभी ख्याति की गणना के लिए औसत विनियोजित पूंजी को ध्यान में रखा जाता है। औसत विनियोजित पूंजी से आशय प्रारंभिक विनियोजित तथा अंतिम विनियोजित पूंजी के औसत से है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे छठवां एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 42,000 रुपये प्रतिवर्ष है। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी 2,00,000 रुपये है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर ब्याज 12% है। साझेदार को 8,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। ख्याति की गणना 2 वर्ष के क्रय पर अधिलाभ विधि द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारा सूत्र है औसत विनियोजित पूंजी के लिए, विनियोजित पूंजी माइनस करेंगे हम लोग विनियोजित पूंजी पर ब्याज जो हमें दिया हुआ है। विनियोजित पूंजी हमारी दी हुई है बुक में 2,00,000 रुपये, उसमें उसका हम लोग 12% निकालेंगे, जो कि हमारा सामान्य लाभ निकलेगा 24,000 रुपये। फिर एक्चुअल लाभ, औसत लाभ हमारा क्या है, 42,000 रुपये में हम 8,000 रुपये, 42,000 रुपये हमको दिया हुआ है शुद्ध लाभ जो हमको दिया हुआ है उसमें हम लोग 8,000 माइनस करेंगे किसके, साझेदार के 8,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक, उसके अंतर्गत हम लोग वार्षिक पारिश्रमिक माइनस करके हमारा एक्चुअल लाभ निकल जाएगा। अब अधिलाभ हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकला है 34,000, उसमें माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 24,000, हमारा अधिलाभ आएगा 10,000। ख्याति की गणना करने के लिए अधिलाभ इंटू वर्षों की संख्या, ख्याति के लिए 10,000 इंटू 2 करेंगे, हमारी ख्याति की गणना 20,000 निकल जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट है हमारा पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन 2 रीतियों से किया जाता है, औसत वास्तविक लाभ का पूंजीकरण करके या अधिलाभ का करके। हम इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कहा है, निम्न सूचना के आधार पर अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। पूंजी प्रत्यय की सामान्य दर 10%, वास्तविक औसत लाभ 12,000, औसत विनियोजित पूंजी। इसके अंतर्गत वास्तविक औसत लाभ हमारा है 12,000, जिसमें हम लोग माइनस करेंगे सामान्य लाभ का 50,000 का 10% यानी कि 5,000, अधिलाभ हमारा आ जाएगा 7,000। ख्याति की गणना के लिए अधिलाभ इंटू 100 बटे पूंजी पर प्रत्यय की दर, यह हमारा सूत्र है ख्याति की गणना के लिए। 7,000 हमारा अधिलाभ निकला है इंटू 100 बटे पूंजी की प्रत्यय दर 10 दी हुई है बुक में, इसका हम इंटू करेंगे, हमारी ख्याति निकल जाएगी 70,000 रुपये। इसके आगे के एग्जाम्पल आप लोगों को बुक में दिए हुए हैं, क्वेश्चन और एग्जाम्पल आप ये सभी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन, सॉरी पुनर्गठन।
साझेदारों के पुनर्गठन से आशय किसी भी कारण से साझेदारों के बीच होने वाले परिवर्तन को ही पुनर्गठन कहते हैं। यह परिवर्तन लाभ हानि के कारण होता है। पुनर्गठन के फलस्वरूप साझेदारों के बीच विद्यमान ठहराव समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया ठहराव प्रभावशील हो जाता है। जैसे कि अगर कोई नया साझेदार आता है या कोई पुराना साझेदार बाहर चल जाता है तो उसके कारण ही पुनर्गठन साझेदारी के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके अंतर्गत नए साझेदारों का प्रवेश, विद्यमान साझेदारों की निवृत्ति या विद्यमान साझेदारों की मृत्यु, आप ये बुक से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है त्याग के अनुपात का अर्थ। त्याग के अनुपात से तात्पर्य जिसमें फर्म के विद्यमान साझेदार फर्म के दूसरे विद्यमान साझेदार या नए साझेदार के लिए अपना विद्यमान लाभ के भाग का त्याग करते हैं, यही कहलाता है हमारा त्याग का अनुपात। यदि कोई नया साझेदार फर्म में आता है या जब साझेदार अपनी सहमति से किसी को अपने फर्म में जोड़ते हैं तो उसके अंतर्गत वो अपने लाभ में से या त्याग करते हैं कि हम अपने लाभ का इतना परसेंट उन्हें देंगे, जो कि उनका त्याग का अनुपात होता है। और जब यदि यही लाभ उन्हें मिलता है जो नया साझेदार आता है तो वह उनकी पूर्ति करते हैं। इसके बाद इसका सूत्र है, त्याग के अनुपात का सूत्र है पुराने अनुपात माइनस नया अनुपात। इसके लिए हम एग्जांपल नंबर देखेंगे 2। ए बी सी एक फर्म में क्रमशः 3:2:1 साझेदार हैं। उन्होंने भविष्य में अपना परस्पर अनुपात 2:2:1 रखने का निर्णय लिया। प्रत्येक साझेदार का त्याग और नफे का अनुपात इसके अंतर्गत ज्ञात करना है। तो इसके अंतर्गत ए का भाग पुराना था 3/6 और नया भाग उसका आया 2/5। इससे हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा 3/30 निकलेगा उसका, जो भी 3/30 यानी कि यह अनुपात किसका होगा, ए का त्याग का, ठीक है। फिर उसके बाद 2/5 - 2/6 ये कहाँ से, इनके अनुपात को माइनस पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करेंगे तो इसमें 2/30 हमारा निकला, मतलब इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये नफे का अनुपात, नफे का अनुपात यानी कि जब अगर कोई साझेदार, दो तरीके के अनुपात होते हैं, अगर कोई साझेदार अपना अनुपात दे रहा है किसी नए साझेदार को और उससे उसको हानि हो रही है तो वो त्याग का अनुपात होगा, मतलब उसके अनुपात में कमी आ रही है तो वो त्याग का अनुपात होगा। और इसी के विपरीत यदि वह किसी को नए साझेदार को अगर अपना कोई अनुपात या कोई अंश बांट रहा है और उससे उसको लाभ होता है तो वो नफे का अनुपात होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 1/5 सी का भाग है, 1/6 नया भाग है, पुराना भाग 1/5 है। तो इसे हल करने के बाद 1/30 यानी कि इसे प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद ऐसे ही आप एग्जांपल 3, 4, 5, 6 ऐसे बनाते जाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात दिया हुआ है। तो पुराने अनुपात, तो इसके अंतर्गत क्या दिया, सूचनाओं के आधार पर साझेदारों के नफे तथा त्याग के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात किया गया है जिसमें से निकाला गया है। नया अनुपात इनका 3/6, पुराना अनुपात है 9/20। इसमें हम लोग जब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारी ये 60 आएगा, जब इससे इंटू करेंगे तो हमारा ये नंबर मिलेगा 3/60, यानी कि ए को इससे नफा हो रहा है, यानी कि मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर 2/6 नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात करेंगे, इसी प्रकार बी का भी हमें अनुपात पता चलेगा, नया अनुपात होगा बी का 2/60, यानी इसे भी इसे लाभ हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग 5/20 या 1/6, 5/20 इसी तरह निकालेंगे तो हमें सी का त्याग का अनुपात का पता चल रहा है, सी को इससे हानि हो रही है यानी कि उसे त्याग करना पड़ रहा है। इसी के अनुसार आप सारे एग्जांपल बनाते जाएंगे। फिर हम आगे आते हैं पुनर्मूल्यांकन विधि में। पुनर्मूल्यांकन विधि, ख्याति के लेखांकन में पुनर्मूल्यांकन विधि उस दशा में अपनाई जाती है जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता। ऐसी दशा में पुनर्गठन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है। इसमें नया साझेदार की ख्याति का भाग उसके पूंजी खाते में डेबिट करके पुराने साझेदार की पूंजी खाते में उसके त्याग के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इसी के प्रकार हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें क्या दिखा रहा है, ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 3:2:2 साझेदार हैं। वे सी को
एक बट्टे पाँच भाग के लिए साझेदार बनाने के लिए राजी होते हैं। फर्म में कुल ख्याति इतनी है, सी अपने ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ है, तो जनरल एंट्रीज। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे सी की कुल ख्याति कितनी है, सी का भाग क्या है। तो सी का भाग एक बट्टे पाँच है, ख्याति का भाग, उसके ख्याति का भाग कितना होगा, 30,000 रुपये वह इसमें दिया हुआ है। फर्म की कुल ख्याति, फर्म की कुल ख्याति कितनी है, 30,000 रुपये। तो इसमें सी का भाग कितना होगा, सी के भाग से इसे भाग देंगे तो उसका निकलेगा सी का भाग 6,000 रुपये। फिर जनरल प्रविष्टि, इसके अंतर्गत जनरल प्रविष्टि कैसे होगी, सी का पूंजी खाता विकलन 6,000 ए के पूंजी खाते से और बी के पूंजी खाते से, ये दोनों अपने ये दोनों सी को किस तरह बांटेंगे, अपने अनुपात में, पूंजी के अनुपात में ए तथा बी सी को ख्याति देंगे। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल आप बना लेंगे, कुछ ही एग्जाम्पल है, एक दो बना लेंगे आप बुक से। फिर इसके बाद नया एक टॉपिक आता है, संपत्तियों के दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। नए साझेदार को फर्म में जब प्रवेश दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि फर्म के विद्यमान संपत्तियों एवं दायित्वों का सही मूल्यांकन आंका गया है, इसे पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर कुल मिलाकर यदि लाभ होता है तो यह पुराने साझेदार अपने पूंजी के अनुपात में लाभालाभ अनुपात में जमा कर लिया जाता है। इसके विपरीत यदि उन्हें हानि होती है तो साझेदारों की पूंजी अनुपात में भी उन्हें हानि को बांट दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 हमें क्या कहता है, ए और बी एक फर्म के सामान्य साझेदार है, ए को 1/4 के लिए भाग देने के लिए साझेदार बनाता है। फर्म का चिट्ठा इस प्रकार है, इसके अंतर्गत समायोजन दिए गए हैं, इसके अंतर्गत हमें जनरल प्रविष्टि करनी, जनरल प्रविष्टि तथा शुद्ध लाभ हानि की ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा एक सबसे पहला हम देखेंगे हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना है 600 रुपये से। तो हमारा पहली प्रविष्टि होगी पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदारों के आयोजन से, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए ये प्रविष्टि हो रही है। तो पहला हमारा होगा पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संदिग्ध ऋणों के आयोजन से। सेकेंड पॉइंट है हमारा, फर्नीचर का मूल्य 500 रुपये रखना है। हम इसमें देखेंगे फर्नीचर का मूल्य दिया हुआ है 800 रुपये, यानी कि 500, यानी कि हानि हो रही है। तो यह हमारा किधर जाएगा, हानि हो रही है तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन फर्नीचर खाते से 500 रुपये, क्योंकि हमें यहाँ हानि हो रही है, फर्नीचर के मूल्य में कमी आ रही है। अगला पॉइंट है मशीनरी का मूल्य 2500 रुपये रखना है। मशीनरी का मूल्य हम लोग देखेंगे 2000 रुपये था, 500 से बढ़ा, यानी कि इधर हमारी प्रविष्टि हो जाएगी मशीनरी खाता विकलन 500 रुपये, पुनर्मूल्यांकन खाते से 500 रुपये, क्योंकि मशीनरी के मूल्य में वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट देखेंगे विनियोग 800 रुपये लिखना है, जो चिट्ठे में नहीं दिया गया है, चिट्ठे में नहीं दिया गया यानी कि हमें लिखना है। तो विनियोग खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से 800 रुपये, विनियोग जो नहीं दर्शाया गया है। फिर अगला पॉइंट है हमारा अदत्त वेतन 300 रुपये लिखना है, अदत्त वेतन हमें लिखना है, यानी कि हमें हानि हो रही है, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन अदत्त वेतन से 300 रुपये अदत्त वेतन के लिए। ये हमारी प्रविष्टि हो गई। इसके बाद हमें अब यह देखना है पुनर्मूल्यांकन की गणना करनी है। तो मशीनरी खाते से लाभ हुआ 500 रुपये, विनियोग से लाभ हुआ 800 रुपये, टोटल लाभ हुआ हमें 1300 रुपये, लेकिन हमें हानि किससे हुई, संदिग्ध ऋण से, फर्नीचर में हानि से, अदत्त वेतन से। इन्हें प्लस करके हम इसमें माइनस करेंगे तो पुनर्मूल्यांकन से हमें लाभ की गणना हो जाएगी। तो वह हम पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन ए और पूंजी खाते से, ए और बी के पूंजी खाते से, क्योंकि इसमें ए और बी का भाग अनुपात नहीं दिया गया, इसे हम बराबर बराबर बांटेंगे। इसके आगे हम एक एग्जांपल और देखेंगे, एग्जांपल नंबर 24 हमें क्या कहता है, ए बी सी फर्म के क्रमशः 3:2 के साझेदार है, चिट्ठा हमें दिया हुआ है, इधर समायोजन हमें दिए हुए हैं, ख्याति का मूल्य 600,000 रुपये रखना है, भूमि का मूल्य 320,000, भवन पर 6% हाथ देना है, 24,000 के लेनदारों में अपना दावा छोड़ दिया और इसे अपलिखित करना है, मूल्य पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, पुनर्गठित फर्म का चिट्ठा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत इसका फॉर्मेट होगा विवरण राशि डेबिट इस साइड और क्रेडिट उस साइड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
इस तरफ अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम किधर लिखेंगे, ये साइड, और अगर हमको हानि हो रही है तो हम ये जैसे इस साइड लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, समायोजन में दिया हुआ है ख्याति का मूल्यांकन 6 लाख करना है, इसमें ख्याति नहीं आएगी। भूमि का मूल्य 3,20,000 रुपये होगा, भूमि का मूल्य हमें दिया होगा 2 लाख रुपये, ठीक है, 3,20,000 रुपये होगा, सॉरी भूमि का मूल्य 3,20,000 होगा, यानी कि भूमि के मूल्य में वृद्धि आएगी, भूमि के मूल्य में वृद्धि आएगी, हम इसे इधर लिखेंगे 1,20,000। इसके बाद इसमें लिखा है 24,000 के लेनदारों ने अपना दावा छोड़ दिया, अगर लेनदार अपना दावा छोड़ेंगे तो उसे हमको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम लोग उसे इधर लिखेंगे, लेनदारों ने छोड़ा 24,000 रुपये, ये हुआ हमारा। फिर उसके बाद लिखा है भवन पर 6% से हास लगाना है, हास हमें देना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख पर हमें 6% हास 12,000 रुपये देना होगा, इसे हम ये साइड प्लस करेंगे 1,44,000, इसमें माइनस करेंगे 12,000, 1,32,000 रुपये को हम इसके पूंजी अनुपात में, यानी कि 3:2:1 के अनुपात में इन्हें बांट देंगे। ये हमारा हुआ पुनर्मूल्यांकन खाता। इसके बाद हमें बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ आएगा इनका पूंजी, किसकी, ए की, बी की और सी की, सबसे पहले यहाँ आएगी शेष लाएगा ए और बी की, बी सी की पूंजी। फिर इसके बाद आएगा सामान्य संचय खाते को, अगर संचय दिया है तो आएगा 1,20,000 रुपये, 1,20,000, इसे हम उन्हीं के पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। फिर पुनर्मूल्यांकन खाते से जितना आया उनकी पूंजी इधर, अगर लाभ है तो इधर। फिर उसके बाद सी के पूंजी खाते को, ये हम बाद में देखेंगे, फिर उसके सॉरी सी के पूंजी खाते को, हाँ अब ये कैसे, इसके अंतर्गत इसमें प्रश्न में समझाया गया, इसके अंतर्गत इनका त्याग का अनुपात और नफा का अनुपात निकलेगा, ए बी और सी, पुराना अनुपात ए का 3/6, नया अनुपात इसका है 1/3, तो ए कितना त्याग कर रहा है 1/6, यहाँ पे मैंने समझाया है 1/6 ए का ए त्याग कर रहा है, ठीक है। बी का पुराना अनुपात है 2/6, नया अनुपात है उसका 1/3, तो इसके अंतर्गत जब इसे हल करेंगे तो इसके अंतर्गत ना ये त्याग कर रहा है ना इसे नफा हो रहा है। फिर सी, सी का 1/6 पुराना अनुपात है, 1/3 नया अनुपात है, जब इसे हल करेंगे तो 1/6 नफा यानी कि इसे लाभ हो रहा है। तो इसी के अंतर्गत जब हम ख्याति की गणना करेंगे, हमें क्वेश्चन में ख्याति दी हुई है 6 लाख रुपये की ख्याति है, जिसका 1/6 से हम डिवाइड करते हैं, जो कि ए त्याग दे रहा है सी को, तो 1 लाख रुपये आएगा। अब इसमें एक ये क्वेश्चन होता है कि ए क्यों दे रहा है सी को, बी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जब हम इसमें त्याग का अनुपात और नफे का अनुपात निकाले तब उसके अंतर्गत 1/6 भाग ए का निकल रहा है त्याग करने का और बी और सी का नफा का, तो इसी के अनुसार ए अपना 1/6 भाग सी को दे रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, सी के पूंजी खाते को देगा ए और ए के पूंजी खाते से आएगा सी को, क्योंकि सी को मिल रहा है। अब इसे प्लस करके हम इधर माइनस करेंगे तो हम आ जाएगा शेष ले गए। फिर इसके बाद हमें बनाना है पुनर्गठित फर्म का चिट्ठा 1/4/2018 के लिए, इसमें दिया हुआ है साझेदारों को 1/4/2018 के समान अनुपात में देना है, तो इसी के लिए हमारा चिट्ठे का डेट होगा। तो दायित्व और संपत्ति दो पक्ष होते हैं, दायित्व और संपत्ति, संपत्ति यानी कि भूमि 3,20,000 रुपये देना है, भवन पर भवन 2 लाख रुपये, इसमें से 12,000 रुपये माइनस करने हास काटने के बाद उसका मूल्य, यंत्र, स्टॉक, देनदार और रोग, इस सब का मूल्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसके अंतर्गत लेनदार बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपये के थे लेकिन 24,000 रुपये के दावा हटा दिया है, तो इसके अंतर्गत 1,76,000 रुपये आएगा। देय विपत्र हमें बुक में दिया हुआ है 1,80,000 रुपये। फिर इसके अंतर्गत जितना 9,52,000 जितना भी आएगा उसे हम ए बी सी को उनके पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। इसी तरह आपका ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा और साझेदारी पुनर्गठन का, इसी तरह से आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन की तैयारी करनी है। थैंक यू।